हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? शॉकिंग नहीं कहूंगा, आज डिजास्ट्रस कहूंगा। इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर पगार लेकर, लिटरली सैलरी लेकर काम करने वाले जीनियस मार्केटिंग हेड्स, प्रोग्रामर्स, यू नो इवेंट प्लानर्स, यू नो यहाँ पे पूरा का पूरा थिएटर ट्रैकर्स, ये सब लोगों का क्या वजूद है? इनकी एग्जिस्टेंस का क्या वजूद है इंडस्ट्री में? ये पूरा दिन अंधेरी में अपनी रुबाब मारते हुए घूमते हैं, बैंड्रा में अपनी होशियारी पाते हुए घूमते हैं कि हम तो ये है वो है। ये तुम्हारी मार्केटिंग है? हाँ, ये तुम्हारा प्रमोशन है? तुमको इतनी अक्कल नहीं दिमाग में कि पिक्चर यहाँ पर तुम लोग 10 को रिलीज कर रहे हो, प्री ईद है, फिल्म ओपनिंग लेगी नहीं लेगी, एंड अब क्या सिग्नल जाएगा ऑडियंस को? कितना खराब सिग्नल जाने वाला ऑडियंस को, दोनों फिल्मों के लिए बोल रहा हूँ। ये यहाँ कोई एक फिल्म को नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर दोनों फिल्मों के लिए लागू होता ही है। इसके पहले भी प्री ईद फिल्में आई है, मजाक उड़ाया गया है फिल्मों का। प्री ईद यहाँ ट्यूबलाइट प्री ईद आ चुकी है, रिलीज से पहले बहुत सारी फिल्में प्री ईद आकर पैसे कमाए हैं, उनके मजाक भी उड़ाए गए कलेक्शन के। ये पहली बार नहीं हो रहा कि ईद के एक दिन पहले जो है यहाँ पर फिल्म रिलीज हो रही है। हाँ, तुमको पता था कि ईद 11 की है, अरे हम लोग चीख चीख कर बोल रहे ईद 11 की नहीं, 10 का पोस्टर लगाया, एडवांस बुकिंग शुरू कर दिया, मैदान का 25-30 लाख रुपए का एडवांस बुकिंग हो गया, बड़े में छोटे में का 50 लाख रुपए का एडवांस बुकिंग हुआ। एंड द बिगेस्ट नॉनसेंसिकल न्यूज इज कि अब दोनों फिल्में 10 तारीख को रिलीज नहीं होने वाली है। क्या जाएगा? साउथ मीडिया क्या लिख रही है पता है? ड्यू टू द डिजास्ट्रस एडवांस बुकिंग्स ऑफ बोथ द फिल्म्स, टू द डिसमल एडवांस बुकिंग्स ऑफ बोथ द हाई बजटेड फिल्म्स, बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स फोर्स्ड टू रिलीज फिल्म ऑन द ईद डे। क्या जाता है? पब्लिक पागल है क्या? आज परसेप्शन का खेल है। आप डिसाइड कर लिए ना कि फिल्म 10 को लेकर आना है, एडवांस बुकिंग खोल लिए, इतना पैसा मार्केटिंग में, आज की बात बोलू ना, ये मार्केटिंग का अगर पैसा बचा ले ना तो इतना ये लोग लॉस में नहीं जाएंगे ना। ये मार्केटिंग में इतना पैसा खर्चा करते हैं लोग, अंधाधुन पैसा करते हैं लोग। एक दिन एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इन लोग की शान पट्टी पे, किस तरह से लोग पैसे उड़ते हैं यहाँ पर हवे में। हाँ, 10 के पोस्टर्स, 10 के बैनर्स, 10 के पूरे कटआउट स्टैंडीज। अरे जब आपको प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट नहीं है, हाँ, इतने दो दिन पहले अगर कोई प्रोड्यूसर या कहेगा नहीं मैं 11 को आऊंगा, क्या सिग्नल जाएगा? तुम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी फिल्म को लेकर। लास्ट एपिसोड में मैदान के मैंने कहा था कि फिल्म को ईद के दिन रिलीज करो, 10 को नहीं करो, 11 को लेकर आओ। तो अभी गाइस आई थिंक बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड, लेकिन इससे क्या होगा? अभी जितने लोगों ने टिकट बुक किया अब वो पूरा गेट ही बुक है, बड़े मियां छोटे मियां के लिए। वो क्या होने वाला है? बड़े में छोटे में बहुत शोज बुक्ड है, पहले 9-9 बजे के सुबह नील योग आईनॉक्स घाट के ऊपर वो सब बुक है। वो क्या होगा? वो सब रिफंड होगा। तो आप जितने लोग हो जिन्होंने यहाँ पर 10 तारीख की टिकट बुक की है, उनका शो यहाँ पर रिफंड होने वाला है। अब न्यूज ये है, अभी आप सब लोग क्या करो, बुक माय शो खोलो, ठीक है, मैदान ओपन करके देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि क्या किस हिसाब से चल रहा है। पूरे इंडिया में अब ये फिल्में 10 तारीख को रिलीज होगी शाम को 6 बजे के बाद, 10 को आ रही है लेकिन पूरा दिन नहीं रिलीज करी, पेड प्रीव्यू। अरे क्या सेंस मेकआउट करता है पेड प्रीव्यू का? हाँ, पहले से प्लान करना था ना, चेन्नई एक्सप्रेस के भी पेड प्रीव्यू थे लेकिन वो पहले से बता दिया था कि पेड प्रीव्यूज होने वाले हैं यहाँ पर। आप लोग क्यों? मेरा प्रॉब्लम यही है कि पब्लिक समझ जाती है कि यार पिक्चर में गड़बड़ है, इन लोग क्यों नहीं रिलीज करे 10 को? 10 को भी कलेक्शन आ सकते। अरे पूरे रमजान में शैतान चली है, पूरे रमजान में शैतान ऑलमोस्ट 150 करोड़ जा रही है, वो क्रू को लोग रमजान में देखे है पूरा बैठकर, 60-70 करोड़ रुपए कमाई, वो मडगांव वो सब पिक्चरें देखी है, तो आपकी पिक्चर क्यों ना देखते थे? जब देख डिसाइड कर लिया और दोनों भीड़ पिक्चर, मैदान को क्या जरूरत थी आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर? हाँ, अब मैदान 11 को गए, हम भी 11 को चले जाएंगे, दोनों एक दूसरे के पीछे घूम रहे हैं यहाँ पर। हाँ, देखो गाइस, ये कोई किसी के फैंस के लिए नहीं है, ये किसी के लिए कुछ नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इन जनरल जो है ना, हमारे इंडस्ट्री का एक परसेप्शन बाहर बहुत खराब जा रहा है, समझ रहे हो तुम लोग? तो मैदान के 6 बजे के, 7 बजे के, 8 बजे के, जो भी है 6 बजे के बाद ही आपको 10 तारीख को जो है ये पिक्चर देखने के लिए मिलेगी। द फर्स्ट शो इन इंडिया विल बी 6 o'clock, मैक्सिमम 6 o'clock।
अभी इससे पहले 5:40 पर 5:50 का भी तो शो प्रोग्राम हुआ नहीं है गाइस अभी तक, तो 6 बजे मैदान रिलीज हो रही है 10 बजे। तो अब जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर 1, रिपोर्ट नंबर 2, रिपोर्ट 2 कम बता रहा है। देखो तू चाहता ही नहीं पिक्चर चले ये वाली, ये तू कम बता रहा है, तू बड़े में छोटे में कम बता रहा है, मैदान का कम बता रहा है। लो अभी लो, तो अब जो भी वीडियो बनेगा वो 11 तारीख की एडवांस बुकिंग का बनेगा, पेड प्रीव्यू ट्रैक नहीं होते, ठीक है, ये बात दिमाग में याद रख लेना। तो 6 बजे का शो होगा एंड रात का लास्ट शो जो होगा वो 11:30 या 11:45 का होगा। ऑल सेड एंड डन, इससे इज्जत बच जाएगी। यहाँ पर 10 तारीख रिलीज होगी, जितनी की ओपनिंग लगेगी बहाना रहेगा बोलने के लिए हाँ पेड प्रीव्यू था, पेड प्रीव्यू था, बच गए हम लोग, मतलब क्या होने वाला था पता नहीं। मैदान 10-12 की ओपनिंग लेती थी, बड़े मियाँ 15 की ओपनिंग लेती थी, तो ये इनका डर था अंदर, इसीलिए उन लोगों ने ये किया है। ये ऐसी इंडस्ट्री चलते रहेगी ना, जहाँ लोगों को अपना काम नहीं आता करने के लिए, तो उसका अंत परिणाम यही होगा, समझ रहे हो ना। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ का 7 मिनट कट कर दिया है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ अब 2 घंटा 36 मिनट की पिक्चर होने वाली है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर रहे लोग। मैदान का सुनने में आया कि मैदान के 5-10 मिनट कटने वाले पिक्चर के। बड़े में छोटे में पे आते हैं, तो बड़े में छोटे में के सब शोज जो है 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, ये जो है गाइस नेशनल चेंज में तो 6 बजे के बाद जो है बड़े मियाँ के शोज जो है रखना शुरू हो गए हैं। आईमैक्स की बात करूँ तो आईमैक्स में भी शाम से शोज जो है वो रख रहे हैं लोग। तो गाइस दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज टुडे, यहाँ पर दोनों फिल्में 10 तारीख को फुल डे रिलीज नहीं होगी, शाम को यहाँ पर 6 बजे के बाद जो है वो रिलीज होने वाली है। लेट्स सी मेकर्स इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करते हैं, लेकिन फिलहाल जनता होशियार है, बुक माई शो है, ऑडियंस के पास सोचो ना। अभी तुम लोग यूट्यूब देख रहे हो, ठीक है, तुम लोग के पास यूट्यूब का एक्सेस है, जो हाईटेक लोग है वो यू नो ट्विटर देखते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम देखते हैं, अरे बहुत लोग है यहाँ पर जो ये सब सोशल मीडिया नहीं देखते। कितने लोग बेचारे का तो बटन वाले फोन रहते हैं, लोग पेपर में देखते हैं, हाँ इतना बजे का शो है, तो वो तो जाएगा 10 बजे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए 10 तारीख को, और वहां जाके पता चलेगा कि पिक्चर ही नहीं है यहाँ पर, वो घर नहीं, घर जाके वापस नहीं आने वाला, उसको रिव्यू नहीं देना, वो किसी का फैन नहीं है, ठीक है, उसको कोई आर्टिकल टाइप नहीं करना है, वो वापस नहीं आएगा थिएटर में, वो घर जाएगा, वो नहीं आएगा वापस देखने के लिए, उसका मूड ऑफ हो गया यहाँ पर। जितना हो सके मेकर्स जो है वो कम्युनिकेट करो, एंड बड़े में छोटे में कन्फर्म है गाइस पिक्चर 6-7 मिनट जो है वो यहाँ पर कट हुई है, एंड मैदान के मेकर्स भी जो है रिडक्शन ले रहे हैं रन टाइम में, जैसे अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो किसी फैन के लिए नहीं बनाया है या किसी एक्टर के लिए नहीं बनाया है, तो कृपया करके दिल पे मत लगाइए, इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग अभी इन सब चीज़ों से वाकिफ नहीं हो कि इंडस्ट्री में क्या होता है। दीज गाइज आर टेकिंग सैलरीज जस्ट फॉर वार्मिंग द ब्लडी बेंचेस मैन, सीरियसली। तो ये प्रोडक्शन हाउस में जो प्लानर्स रहते हैं, ये मार्केटिंग वाले, ये सब सब बोल रहा हूँ ना, बस वो उसका पैसा खा रहे खाली, ऑलवेज से स्टे कूल ना।